हाँ भाई, क्या हाल है? सो वेलकम बैक टू चैनल। आई एम प्रमोद यादव और भाई आज मैं ले आया हूँ आपके लिए SP125 होंडा SP125 और टीओ साइडर 125। तो भाई दोनों 125 सीसी की बाइक है, तो बंदों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई कौन सी ले, ये सस्ती है, ये थोड़ी महंगी है, कौन सी वैल्यू फॉर वर्थ रहेगी और कौन सी लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में यही सब आपको कंपेयर करके बताऊँगा, सारे डिफरेंसेस बताऊँगा और कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी, एंड में आपको ये भी मैं बता दूंगा। तो नए हो तो सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, वीडियो लाइक करना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई ये खड़ी दोनों ब्यूटी 125 सीसी की मेरे पास। तो भाई एक थोड़ी स्पोर्ट्स लगती है दिखने में, एक थोड़ी भाई आपकी नॉर्मल बाइक दिखती है, तो दोनों की लुक्स तो सबसे पहली चीज़ अलग ही लगती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजर जो जरूर भाई जो हर बंदे देखते हैं, प्राइस डिफरेंस की। तो भाई ये पड़ती है आपको 1,17,000 रुपये ऑन रोड गुड़गांव में, और ये पड़ती है आपकी 1,01,000 रुपये गुड़गांव में। 16,000 रुपये का फर्क है दोनों में। 16,000 रुपये की वैल्यू मतलब अपने आप में ज़्यादा वैल्यू भी है, तो उस हिसाब से देखते हैं कौन सी आपके लिए वैल्यू फॉर वर्थ रहने वाली है। सबसे पहली बात कर लेते हैं स्टार्ट इसके मेजर डिफरेंस की, इसकी लुक से। तो भाई अगर आपको एक स्पोर्ट्स मतलब पर्सन हो, आप स्पोर्ट्स बाइक लव करते हो, तो भाई नो डाउट फिर आप इस पर ही चले जाओ, क्योंकि इसकी लुक देख लो, ये 125 सेगमेंट में सबसे स्पोर्टी दिखने वाली एंड मतलब एक मस्कुलर सी बाइक दिखने में, एंड काफ़ी अच्छी इसकी रोड प्रेजेंस रहने वाली है। तो ये तो है आपके लिए एक लुक के लिए। तो जिनको भाई एक स्पोर्ट्स लुक चाहिए, जो अपने कॉलेज बॉयज हो गए या फिर मतलब अपने भाई जिनको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक चाहिए, एंड ये थोड़ी भाई नॉर्मल लुक है, मतलब लुक इसकी भी काफ़ी अच्छी है बट इतनी स्पोर्टी नहीं लगती, मतलब ये एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक की लुक देती है या आपको थोड़ी सी नॉर्मल लुक देती है। तो ये उनके लिए रहेगी जो अपना भाई फैमिली में अपने हो गए, फादर वगैरह हो गए, या जो ऑफिस पर्सन हो गए जिनको ऑफिस में बाइक चाहिए, माइलेज चाहिए, कंफर्ट चाहिए, मतलब हैंडल पोस्चर हो गया, वो सीट बड़ी चाहिए, कंफर्ट अच्छा चाहिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए लेडीज़ पीछे बैठ जाए, उनके लिए ये बाइक काफ़ी बढ़िया रहती है। तो इसकी लुक एयर डिज़ाइन देख लो, पूरा दिखने में ये भी काफ़ी अच्छी लगती है, सीट काफ़ी बड़ी है इसकी, उसकी आपकी स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, तो उसमें पीछे लेडीज़ को बैठने थोड़ी समस्या होती है, इसमें आपको पूरा बड़ी सीट है तो तीन बंदे भी आराम से बैठ सकते हैं, तो कम्फर्ट इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अब बात करते हैं भाई कि ये वैसे जो अपना जोमेटो राइडर हो गए, डिलीवरी बॉय, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये तो हो गई लुक की बात। अब बात कर लेते हैं भाई इसमें और डिफरेंसेस की, भाई इंजन क्या है सब चीज़। तो भाई दोनों ही 125 सीसी की बाइक है, 125 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दोनों में देखने को मिलता है, VS6 FI इंजन। तो भाई देखो क्या है, इसमें प्रोग्राम FI मिल जाता है आपको, इसमें इंजन सेम है बट पावर का डिफरेंस है। तो इसमें आपको मिलती है 10.7 BHP की पावर एंड 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क, एंड ये देती है आपको 11.2 BHP की पावर और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो भाई कहीं ना कहीं पावर और पिकअप इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, बट ऐसी बात नहीं है, पिकअप इसका काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसका वेट जो है इससे कम है, ये थोड़ी सी हैवियर साइड है, ये लाइट है, ये पड़ती है आपको 118 kg की एंड ये पड़ती है भाई आपको 123 kg की, तो ये थोड़ी सी लाइटर पड़ जाती है, 5 किलो कुछ फर्क पड़ जाता है इसमें, लाइट है। उसके वजह से पिकअप इसका भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें देखो फेयरिंग वगैरह इतनी नहीं है, नीचे भी देख लो एंड इतना वेट इसमें नहीं है, तो बट ये टॉप स्पीड में ये आगे चली जाएगी, ये थोड़ी पिकअप में अच्छी है भी बट इसका पिकअप अपने आप में बहुत अच्छा है। तो बात करें पावर के लिए, ज़्यादा पावर आपको चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट रहती है। 5 गियर दोनों में सेम मिलते हैं, वेट मल्टीप्लस क्लच मिलती है दोनों की, तो इसकी राइड आपको मिल जाए उसमें देखा है मैंने, थोड़ी क्लच इसकी ज्यादा लाइट पड़ती है, इसकी थोड़ी सी लाइट तो ये भी है बट वेट मल्टीप्लेट क्लच ही मिलती है दोनों में, ये थोड़ी सी हार्ड पड़ती है। एंड अब बात करते हैं भाई एक चीज और थोड़ा सा कंफर्ट की तरफ, तो इसमें आपको मोनोशॉक देखने को मिल जाता है, सस्पेंशन जो है तो इसके थोड़े से ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहते हैं, ये आपको टेलीस्कोपिक मिलते हैं, तो सस्पेंशन भी आपको यहाँ बेस्ट देखने को मिल जाते हैं। एंड बात करते हैं भाई माइलेज की, तो माइलेज देखी जाती है भाई कोई भी बाइक लेता है, तो होंडा SP125 आपको माइलेज दे देगी 60-65 kmpl की इजीली, मतलब हाईवे पे सिटी में भी सही दे देगी, ये आपको माइलेज देगी भाई 55-60 या 50-55 की kmpl की, 50-55 kmpl की माइलेज आपको ये देगी, तो माइलेज इसमें आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, थोड़ी पावर ज़्यादा है। एंड ये आपको जो टॉप 0-60 अचीव करा देती है स्पीड, ये 5.9 सेकंड में ओनली, एंड उसको लगते हैं 7 सेकंड, तो 1.1 सेकंड का डिफरेंस है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम फास्ट रहती है, ये ज़्यादा फास्ट रहती है, तो उसी वजह से थोड़ी माइलेज इसकी कम रहती है, उसकी ज़्यादा रहती है भाई माइलेज। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले, ये 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देती है, ग्राउंड क्लियरेंस सही है इसका, एंड ये 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, दोनों का ही अच्छा है, ऐसे टच नहीं होती, बट इसमें थोड़ा सा नीचे ये दे रखा है स्पोर्ट्स किट, तो इससे इंजन को गार्ड करती है, बट ये ब्रेकर पे अगर थोड़े झटके लोगे तो टच हो सकती है, उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता बट ये दिखने में अच्छा भी लगता है। एंड अब बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, तो भाई मीटर जो है आपको इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, इसके मीटर में देखो ऐसा कलरफुल डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें आपको गियर इंडिकेटर, हेलमेट इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल वगैरह आपको सारी चीज़ दिखा देगी, एंड RPM, ओडोमीटर, ये बटन से आप सेट कर सकते हो, सर्विस रिमाइंडर देगी, ट्रिप 1 ट्रिप भी,
रेंज भी बता देती है आपको, एवरेज हो गई ये आप देख पा रहे होंगे। तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर के साथ साइड स्टैंड का भी मिलता है आपको यहाँ पे। एंड इसमें पावर इको दो मोड मिलते हैं, मतलब कि इसमें ये है कि इको में थोड़ा सा आपको टो स्पीड कम मिलेगी, माइलेज ज़्यादा मिलेगी, पावर टो स्पीड ज़्यादा मिल जाएगी और थोड़ा सा पिकअप ज़्यादा मिल जाता है, माइलेज थोड़ी कम मिलेगी। सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, होन ऐसा मिलता है कुछ, तो ये है। मिरर्स भी बड़े बड़े मिल जाते हैं, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। एंड चार्जिंग सॉकेट भी अब तो आने लग गया इसमें, अभी नहीं है, लगवा सकते हो ये चीज़। एंड इसके मीटर की बात करें तो इसका मीटर भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है, डिजिटल है। तो भाई मीटर ऑन करने के लिए किक मारनी पड़ेगी, क्योंकि भाई कनेक्शन नहीं करके लाए ना, कनेक्शन नहीं करके लाए, और ये किक मारनी पड़ेगी। मार किक जरा भाई एक बार। हाँ, तो इसका मीटर डिज़ाइन कुछ ऐसा मिलता है, ये देख लो आप, बड़ी है डिस्प्ले, इसकी भी डिजिटल मिलती है, दोनों में ही सेम मिलती है ऐसे तो, बट उसका कलरफुल है, उसका कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। साइज स्टैंड का इंडिकेशन का इसमें भी ऑप्शन मिलता है आपको। एंड यहाँ पे जो है फ्यूल गोज दिखाती है, स्पीडोमीटर एंड ट्रिप भी, मतलब यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ये एवरेज वगैरह इसमें भी दिखाती है, देखो रेंज भी दिखाती है इसमें, और ये किलोमीटर आपके ट्रिप भी, ये सारी चीज़ आपको दिखाती है, गियर इंडिकेटर भी है, टाइमिंग भी है, बट वो कलरफुल पड़ जाता है। उसमें आरपीएम भी मिलता है, इसमें आरपीएम वगैरह आपको देखने को मिलता है, मीटर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्मार्ट पड़ जाता है, बट इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी, नंबर्स वगैरह काफ़ी इजीली दिख जाते हैं, बटन भी सेट करने को ये काफ़ी सही है। एंड देखो मैं गियर डाल के देखता हूँ बंद होती है कि नहीं, ये बंद हो गई। तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर इसमें मिलता है, बटन वगैरह इसके भी काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको क्या है कि पावर मोड नहीं मिलते कुछ भी, उसमें आपको पावर मोड मिल जाते हैं। इसमें क्या है कि आपको इंजन किल स्विच जो है सेल्फ का इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाता है, जो कि उसमें नहीं मिलता इंजन किल स्विच, यार वो चीज़ उसमें देनी चाहिए, वो नहीं है। एंड इसमें भी आपको 3D में लोगो, उसमें भी आपको 3D में लोगो मिल जाता है, साइड लुक देख लो। एंड भाई ये सब चीज़ें, टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं अब। इसमें 80x100 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं फ्रंट के, और MRF के टायर देखने को मिल जाते हैं। पीछे भी आपको 80x100 सेक्शन का टायर मिल जाता है MRF के ही। टायर पतले इसके यार, इसके टायर जो हैं वो बढ़िया मिल जाते हैं, मतलब इसमें TVS टायर मिलते हैं वैसे तो, 80x100 सेक्शन का फ्रंट मिलता है, और फ्रंट तो सेम ही है, पीछे का टायर इसका भाई 100x90 का मिल जाता है, देख सकते हो चौड़ा टायर है पीछे का, तो मैंने बोला स्पोर्टी है तो ये चीज़। एग्जॉस्ट की लुक इसकी स्पोर्टी मिल जाती है, एंड उसकी देखो नॉर्मल आवाज़ भी इसकी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट की अच्छी पड़ती है, मैं एक बार सुना देता हूँ। तो ये तो इसकी आवाज़ है, तो इसकी आवाज़ आपको सुना देता हूँ SP125 की। तो ये आपने इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लिया, ये थोड़ा स्मूदर एग्जॉस्ट नोट है, बगैर ही तो इसमें ठीक आवाज़ आएगी, बट इसमें कोई ऐसी स्पोर्टी नोट नहीं मिलता, इसमें आपको बेसियर मिल जाता है, स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट मिल जाता है इसमें, तो इसका काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट देखने को मिलता है। एंड भाई बात करें इसकी सीट हाइट की, तो इसमें आपको 780 mm की सीट हाइट मिल जाती है, इसमें आपको 790 mm की, वो थोड़ी सी ऊँची रहती है, दिखने में भी ऊँची सी बाइक लग रही है थोड़ी सी वो, तो ये चीज़ है। बाकी कलर ऑप्शंस दोनों में अपने अलग अलग आ जाते हैं। एंड अब बात करते हैं भाई, इसमें फ़ीचर्स एक दो एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, जैसे भाई GTT टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है जो कि उसमें नहीं मिलती, TVS इंटेलिगो टेक्नोलॉजी, जैसे इसमें भाई आपको क्या है कि रेड लाइट पे खड़े हो तो ये अपने आप बंद हो जाएगी, और जैसे ही रेस दोगे या क्लच दबाओगे तो स्टार्ट हो जाती है, इससे आपका फ्यूल भी बचता है और काफ़ी कन्वीनियंट भी रहता है, वो उसमें नहीं देखने को मिलता। उसमें बाकी ESP ये एनहेंस स्मार्ट पावर मिल जाती है भाई, और ये है ग्राफिक्स वगैरह इसके भी काफ़ी कैची हैं, और इसके कुछ सिंपल मिलते हैं, ज़्यादा ग्राफिक्स देखने को आपको नहीं मिलते, तो ये चीज़ें हैं। फ्रंट में दोनों में सेम टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं। GT टेक्नोलॉजी में ये है कि भाई आप जैसे क्लच छोड़ के रखते हो फर्स्ट सेकंड गियर में, तो अपने आप बाइक चलती रहती है, आपको ज़्यादा क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, ट्रैफिक में हो गया या चला रहे हो आप नॉर्मल, कभी ज़्यादा रेस नहीं देनी, आप रेस छोड़ दो गियर डाल के, अपना बाइक चलती रहेगी, वो काफ़ी अच्छा है। तो भाई ये सारे थे डिफरेंसेस, मैंने आपको ओवरऑल बता दिए कि भाई क्या क्या फ़र्क है, क्या इन दोनों में पावर सब माइलेज वगैरह का ओवरऑल। तो अब बात करते हैं कि भाई आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो भाई देखो, अगर आपका बजट है और आपको स्पोर्ट्स बाइक विद मीटर आपको ज़्यादा कैची चाहिए, स्पोर्ट्स लुक चाहिए, थोड़ी सी पावर ज़्यादा चाहिए, तो आपके लिए ये बाइक काफ़ी सही रहेगी। वहीं मतलब ये इसका पोस्चर जो हैंडल बार का थोड़ा सा स्पोर्टी है, तो आपके हाथ में शुरू में पेन होगा, सीट भी थोड़ी सी स्प्लिट है, टाइट है, तो ये थोड़ी दिक्कत कर सकती हैं। बट अगर आपको थोड़ी कंफर्टेबल बाइक चाहिए, डेली राइड के लिए चाहिए, आपको जैसे फैमिली के लिए चाहिए, या फिर आपको ज़्यादा लुक्स से कोई मैटर नहीं, आपको एक माइलेज देने वाली अच्छी स्मूथ चलने में बाइक चाहिए कम्फर्टेबल, तो ये सही रहेगी। उसमें आपको क्या है कि हैंडल बार भी अपराइट पोस्चर है, लेग भी फ्रंट फॉरवर्ड है, सीट भी बड़ी है, तो कम्फर्ट विद माइलेज विद पावर चाहिए स्मूथनेस के साथ आपको ये मिल जाएगी। एंड इसमें क्या है कि पावर और भाई आपको लुक्स जो चाहिए विद फीचर्स के साथ, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो आपका बजट है 1,23,000 रुपये, तो आप ये जा सकते हो, और भाई कंफर्ट वगैरह मैंने आपको बताया, तो आपको ये पड़ जाएगी 1,01,000 की, तो ये आपकी बाइक बन जाएगी काफ़ी सही। तो
तो मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, अब आपको पता होगा कौन सी बाइक लेनी चाहिए, सारे डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, और कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। चलो बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, कल शाम 7 बजे मिलते हैं फिर। चलो तब तक खुश रहो, मौज लो, बाय बाय। एंड एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, इसमें आपको किक देखने को नहीं मिलती, सेल्फ मिलता ओनली, इसमें आपको किक मिल जाती है। तो भाई जिनको किक चाहिए कि भाई हाँ किक नहीं है यार सर्दी में हमें दिक्कत, वैसे दिक्कत इसमें आएगी नहीं, आती नहीं है, बट किक चाहिए तो भाई इसमें किक मिलेगी, सेल्फ भी आपको देखने को इसमें मिल जाता है। एंड एक चीज़ की और बात कर लेते हैं कि भाई देखो सर्विस मेंटेनेंस भी चाहिए होता है बाइक को, कौन सी का मेंटेनेंस सही रहता है सर्विस कॉस्ट का। तो भाई ये जो दोस्त की बाइक है भारत की, ये पता ही नहीं, बता दिया पेड़ कितने की होती है, तो इसकी 1700-2000 तक की पेड सर्विस हो जाती है फ्री का। तो क्या मतलब मेन तो पेड ही होती है, और फ्री तो वही है 700-800 तक की हो जाती है, 1000 भी पहुंच जाती है। एंड इसकी भाई फ्री 1200 की, शोरूम वाले बंदे ने बताया कस्टमर 1200 के आसपास इसकी फ्री हो, फ्री तो भाई साहब मात्र 400 फ्री सर्विस होती है 400 रुपये की, और पेड हो जाती है 1200 के आसपास इसकी पेड सर्विस हो जाती है। तो सर्विस इसकी आपको सस्ती पड़ेगी, इसकी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है। तो ये है सर्विस का ओवरव्यू। तो मेंटेनेंस में यार ये मतलब माइलेज ज़्यादा देगी, सर्विस कॉस्ट कम लेगी, ये थोड़ा सा स्पोर्ट बाइक है तो उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है, तो ये चीज़ देख लेना एक बार ध्यान से आप।